सभी को नमस्कार। प्लस टू पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बुक वन और टू का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। अब हमने बुक वन के भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज खत्म कर चुके हैं। आज हम बुक दो का लेसन वन, शीत युद्ध के दौर के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा में बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, शीत युद्ध का दौर, वेरी शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। बुक दो लेसन वन, शीत युद्ध का दौर। देखिए, सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, तो आपका आंसर है 1962 में। चलिए आगे देखते हैं हम। शीत युद्ध किस समय चरम बिंदु पर था, तो आपका आंसर है क्यूबा मिसाइल संकट के समय में। पश्चिमी गठबंधन का अगुआ कौन था, तो आपका आंसर है अमेरिका। पूर्वी गठबंधन का अगुआ कौन था, तो आपका आंसर है सोवियत संघ। सोवियत संघ में किस विचारधारा को अपनाया गया था, समाजवादी और साम्यवादी। अमेरिका ने किस विचारधारा को अपनाया था, पूंजीवादी। तो ये आपके 5 एमसीक्यू इसमें हैं। देखिए, सबसे पहले पश्चिमी गुट का अगुआ अमेरिका था, पूर्वी गुट का अगुआ सोवियत संघ। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी और सोवियत संघ की समाजवादी या साम्यवादी। चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। जो दूसरा विश्व युद्ध है वो किन के बीच लड़ा गया, मित्र और धुरी राष्ट्रों के बीच। दूसरे युद्ध की अवधि क्या थी, 1939 से 1945। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था, जर्मनी, इटली और जापान। देखिए इसी में आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 45 तक। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान। जो पहला विश्व युद्ध था वो कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918 तक। और दूसरा जो विश्व युद्ध था वो 1939 से 45 तक। चलिए अगला जो आपका एमसीक्यू है, दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, अगस्त 1945 में हुई और क्यों हुई। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। क्या अब आप उन बम के नाम बता सकते हैं जो उन पर गिराए गए थे और उनका वजन क्या था। तो देखिए ये इसका आंसर यहाँ दिया हुआ, उन बम का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, और उनकी क्षमता कितनी थी, 15 और 21 किलोटन। ठीक है जी, तो बम्बों के नाम क्या थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, उनकी क्षमता थी 15 और 21 किलो टन की। चलिए अब हम वहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमने यहाँ तक के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख ली। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कौन थी, अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। शीत युद्ध का कारण क्या था, महाशक्ति बनने की होड़। अपरोध क्या होता है, रोक और संतुलन को कहते हैं अपरोध। देखिए ये आपका वेरी शॉर्ट भी बनता है, अपरोध क्या है।
जब दोनों पक्षों के पास एक दूसरे से मुकाबला और नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता, तो हम इसे क्या कहते हैं? अपरोध। चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। उन्नीस सौ उनचास में अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया? इसे हम कहते हैं नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या थी? नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम कहते हैं। इसमें कितने देश थे? 12। तो देखिए आपके कितने प्रश्न बन गए कि अमेरिका द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन का नाम नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कितने सदस्य थे? 12। कब बनाया गया? 1949 में। चलिए अब सोवियत संघ ने नाटो के विरोध में एक संगठन बनाया था, तो वो कौन सा था? वारसा। कब हुआ इसकी स्थापना? 1955 में। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। सीटो की फुल फॉर्म क्या है और सेंटो की? ये अमेरिका ने बनाए थे सबसे पहले, तो ये बात कि अमेरिका ने बनाए हुए सीटो और सेंटो। तो पेपर में इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है कि फुल फॉर्म बताइए। अब देखिए सीटो की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेंटो की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके 3 MCQ। सबसे पहले इनकी स्थापना किसने की? अमेरिका ने। इनकी फुल फॉर्म्स हमने देख ली, सीटो की दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन और सेंटो की केंद्रीय संधि संगठन। शीत युद्ध का क्या परिणाम हुआ? विश्व दो गुटों में बट गया, बट जाने का खतरा पैदा हो गया या बट गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले इसे देख लेते हैं, इससे ही हमारे काफ़ी। ट्रूमैन सिद्धांत कब बना? 1947 में। ठीक है जी। मार्शल प्लान कब बनाया गया? 1947 से 52 में। अमेरिका ने बनाया था पश्चिमी यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए। तो देखिए आपके कितने एमसीक्यू इनमें से बनेंगे। मार्शल प्लान अमेरिका का था और क्यों बनाया? पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए। ट्रूमन सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति ने बनाया था 1947 में। सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी कब की? 1948 में। कोरिया युद्ध कब से कब तक हुआ? 1950 से 1953 तक। सीटों का गठन कब किया गया? 1954 में। वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप कब किया? तो आपका आंसर है 1954 में। सेंटो की स्थापना कब की गई? 1955 में। देखिए सीटो 54 में आया था और सेंटो 55 में। हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? 1956 में। क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स पे आक्रमण कब किया गया? 1961 में। या अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण 1961 में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बर्लिन की दीवार, जिसने जर्मनी को दो भागों में बांटा, पूर्वी और पश्चिमी, तो इसे कब बनाया गया? 1961 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बर्लिन की दीवार कब बनी? 1961 में। क्यूबा मिसाइल संकट अभी हमने पढ़ा था 1962 में। चेकोस्लाविया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1968 में। कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप 1978 में।
गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने? 1985 में। जर्मनी बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1989 में। देखिए 61 में बनी थी और 1989 में इसे तोड़ा गया, ये दीवार बनी थी और इसे तोड़ा गया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। और सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ? 1991 में। देखिए इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सोवियत संघ का विघटन, बर्लिन की दीवार कब गिरी, जर्मनी का एकीकरण, क्यूबा मिसाइल संकट, उसके अलावा बर्लिन की दीवार कब बनी, सीटो और सेंटो का गठन कब हुआ, ये 54 में और ये 55 में सेंटो। तो ये सारे आपके इस पेज पे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए, आप अपनी बुक को निकाल के इन प्रश्नों को आराम से देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इससे। हम ये है जोसेफ ब्राज टीटो, ये यूगोस्लाविया के शासक हैं, 1940 से 80 तक यूगोस्लाविया के शासक रहे हैं ये। पंडित नेहरू, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, 1947 से लेकर 1964 तक अपनी मृत्यु, इनकी जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जो विश्व दो गुटों में बट गया था, अमेरिका और सोवियत संघ, उसे चुनौती किसने दी? गुट निरपेक्षता ने। इसमें एशिया, अफ्रीकी, लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देश शामिल हुए थे। इन्होंने किसी भी गुट में शामिल होने से मना किया और तीसरा विकल्प दिया, वो क्या था? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता की स्थापना में किसका योगदान है? तो इन सभी का, देखिए यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के ज्वाला नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे एनक्रूमा, ये पांच नेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता का नींव रखी। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 में बेलग्रेड में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कि गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। कितने सदस्य देश शामिल हुए थे इसमें? 25, और वर्तमान में 120 हैं इसके। जब ये स्टार्ट हुआ, देखिए 25 सदस्य देश थे, आज 120 देश इसके सदस्य देश हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन की नींव कहाँ पे डली? अंकटांड सम्मेलन में। चलिए इससे आगे चल रहे हैं, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे, गमाल अब्दुल नासिर, ये 1970 तक मिस्र के शासक रहे हैं। ये हैं सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने, 1945 से लेकर 65 तक इन्होंने इंडोनेशिया पर शासन किया। ये पांचवें संस्थापक सदस्य हैं वामे एनक्रूमा, ये घाना के प्रधानमंत्री रहे 1952 से 66 तक। तो ये पांच लोग हैं जो गुट निरपेक्षता आंदोलन के जनक माने जाते हैं।
चलिए इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं। देखिए LTBT की फुल फॉर्म क्या है, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, मतलब सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इसके अंतर्गत क्या था कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, पानी के अंदर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि थी ये। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने इस पर 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और 10 अक्टूबर से ये प्रभावी हुई। NPT परमाणु अप्रसार संधि, तो ये 1968 में इस पर हस्ताक्षर हुए NPT पर। ये सबसे मेन है, देखिए NPT 1968 में, उसके अलावा LTBT 1963 में, ठीक है जी। एक और थी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1, ये कब हुई, 1969 में, और इस पर हस्ताक्षर हुए 1972 में, और 3 अक्टूबर से ये लागू हुई। ये वार्ता 1 थी और ये वार्ता 2 है। देखिए ये 18 जून 1989 को शुरू हुई। अगली है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ये 31 जुलाई 1991 को प्रभावी हुई। इसी की ट्रीटी 2, ये 3 जनवरी 1993 से। चलिए धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।